हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एलकारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम हमने फिनिश कर दिया है। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो ये वीडियो हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा पॉलिनोमियल्स के लिए। क्वेश्चन सॉल्विंग हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है और किन चीजों से बनता है। पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको क्लास 8th के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। मैंने आपके सामने तीन चीजें लिखी हैं। पहली लिखी है कॉन्स्टेंट्स, दूसरी लिखी है कोएफिशिएंट्स और तीसरी लिखी है वेरिएबल। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर मोस्टली बेस्ड रहेगा वेरिएबल्स के आसपास। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिस्कस करते हैं। वेरिएबल बेसिकली क्या होती है? एक अननोन क्वांटिटी। अगर मुझे कोई चीज पता नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि दैट क्वांटिटी इज अ वेरिएबल। अब कोई चीज मुझे नोन नहीं है, सपोज मैंने यहां पर एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के पीछे की साइड पर मैंने एक नंबर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस बॉक्स के पीछे की तरफ वो नंबर क्या है, तो आप में से कुछ बोलेंगे सर 5 है, कुछ बोलेंगे 6 है, कुछ बोलेंगे 1 है, कुछ बोलेंगे 10 है। सबके अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। बट क्या मैं उस चीज को लेकर के श्योर हूं कि मेरा आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि मेरे को वो चीज, वो वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस वैल्यू को जनरलाइज्ड किसी एक पर्टिकुलर टर्म से डिनोट कर दूंगा। मैं मान लेता हूं कि लेट दैट वैल्यू बी एक्स। अब ये जो वैल्यू एक्स है, ये डिनोट कर रही है वो नंबर जो इस बॉक्स के पीछे की तरफ लिखा हुआ है। अब सर वो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, वो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। वैल्यू कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, सब कुछ सीखेंगे स्लोली स्लोली। तो पहले मैंने बात करी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे अननोन क्वांटिटीज और इनको यूजुअली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। तो सर क्या हमेशा अल्फाबेट से नहीं होते हैं रिप्रेजेंट? नहीं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है अल्फाबेट से ही हो। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसको यूजुअली एक्स से डिनोट करते हैं, वाई ए बी सी, किसी से भी आप कर सकते हैं, किसी भी अल्फाबेट से। आप चाहें तो किसी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, किसी क्वेश्चन मार्क से, किसी डॉलर साइन, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हम फर्दर ऑन फाइंड करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है सर, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब सर बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि वेरिएबल में मैंने कोई भी एक नंबर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल्स, मतलब अगर मैं कोई भी एक वेरिएबल लिख रहा हूं, एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिखा x और मैंने इसके आगे लिख दिया लेट अस से 3। अब मैंने x के आगे 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय x। इस केस में जो मेरा 3 है वो हो जाएगा मेरा कोएफिशिएंट और जो मेरा x है वो हो जाएगा मेरा वेरिएबल। मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो होता है हमारा कोएफिशिएंट। तो सर सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उस केस में हम नहीं मानेंगे। वेरिएबल हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, किसी नंबर से, तो वो नंबर जो होगा मेरा वो होगा कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल लिखे सर, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, -1/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसको आप लिखेंगे -1/3x। इस केस में मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा -1/3। अच्छा सर, अगर मेरे पास एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने x, तो सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है इसमें, इसको मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इस केस में अगर मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल गिवन होता है तो उसका कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1। ठीक है सर, कोई और वेरिएबल से समझा दो। ठीक है, मैंने एक सपोज वाई ले लिया, तो अब इस केस में इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि मैं वाई को क्या लिख सकता हूं, 1 into y। एक चीज ध्यान रखिए कि 1 plus y, 1 minus y, ये इस केस में अगर आप बोलें कि 1 वेरिएबल है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग चीजें, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों ये चीज और ये चीज अलग है, आगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हो जाता है उसका कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। कॉन्स्टेंट अपने आप में इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि वो चीज कभी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, नॉट चेंजिंग,
जैसे कि 5 है। अब आप बोलेंगे आज भी ये 5 रहेगा, आप कल पूछेंगे कल भी 5 रहेगा, परसों भी 5 रहेगा। 5 की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? 5 के। 5 कभी भी मेरा 6 के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो 5 की अपने आप में वैल्यू जो है वो एक फिक्स वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट। तो सर ये तीनों चीजें क्यों पढ़ाई हमें? ये तीनों चीजें हमने इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि अगर मैं बोलूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स, इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है? मेरा बन जाता है एक पॉलिनोमियल। तो सर इसका एक एग्जांपल बता दो। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 4x+3, ठीक है, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है जिसमें मेरा कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट है मेरा 4। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है मेरा x, और मेरा कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है मेरा 3। समझे? ये क्या बनी मेरी? कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इन सबको मिला करके मेरी बनी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है या ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि पॉलिनोमियल होती क्या है। ठीक है, ठीक है सर, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। तो सर एक और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल 2 देता हूँ। मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ -1/3y+2। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ एक 5x, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इसका वेरिएबल, इसका कांस्टेंट क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर इसका तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, इसमें कभी कांस्टेंट है ही नहीं। नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5x+0 लिख सकते हैं। तो ये यहां पे इसका कोएफिशिएंट हो गया 5, वेरिएबल हो गया x और कांस्टेंट हो गया 0। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा और इसके थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा x की पावर 2, x की पावर 2 का मतलब क्या है? x × x। अगर मैंने आपके सामने लिखा x की पावर 3, इसका मतलब क्या है? x × x × x लिखा। अगर मैंने आपके सामने लिखा x की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। मैंने आपके सामने लिखा x की पावर 1, इसका मतलब होता है x। तो सर ये सब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है क्लास 8 में, ये अभी क्यों बता रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मेरी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर होगी ना मेरी, ये वाली पावर, ये कभी भी ना तो नेगेटिव होगी और ना ही आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी। क्या बोला मैंने? ना तो ये नेगेटिव होगी ना ही आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर अगर मैं ऐसे लिख दूं x³/2+1, तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर किसी फॉर्म में आ गई? फ्रैक्शन की फॉर्म में। बस ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, इन सबको मैंने मिलाया तो मेरा बन गया पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं, अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने देखा यहां पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। यहां x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। यहां x की सबसे बड़ी पावर 0, x की सबसे बड़ी पावर 1। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूंगा किसी वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब ABCDXYZ, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। जैसे अगर मैंने एग्जांपल में लिखा 5x³+2x²+3x+1, इसमें वेरिएबल है मेरा x, उसमें सबसे बड़ी पावर मेरी क्या है? 3। तो इसका अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप लिखेंगे सर 3। अगर मैंने एक और एग्जांपल लिखा 5x²/2x99+1, तो अब आप क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर कितनी है? 100। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। आज के इंट्रोडक्शन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दोनों कैटेगरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे डिग्री के हिसाब से होती है और कैसे टर्म्स के हिसाब से होती है। ठीक है, तब तक हमारी इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए एंड कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।